हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है माधव की रसोई में। तो आज देखो हमारे पास क्या है, ये है भुट्टे। तो आज हम इस भुट्टे से बनाएंगे मजेदार रेसिपी। तो चलो बनाते हैं अपनी रेसिपी। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले हम इसको छील लेंगे। इसके देखो ये बाल, इसको हम छील के निकाल लेंगे बाहर। डिपेंड करता है आपके भुट्टे कैसे निकलते हैं। तो ये देखो हमारा भुट्टा कैसा निकला, ये देखो इसमें दाने पिचके हुए हैं। है तो ये कच्चा लेकिन ये पिचका हुआ है। तो ये देखो हमने इनको छील के रख लिया है। एक में भुट्टे में हमारे में सही दाने हैं और एक में हमारे तितर बितर दाने हैं। इसको इतर बितर बोलते हैं। देखो इसमें कहीं है, भगवान की कुदरत की देन है। देखो इसमें दाने ही नहीं है ज़्यादा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे कद्दूकस। तो कद्दूकस कच्ची है ना ये, इसको हम कद्दूकस बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये छलनी कद्दूकस करेंगे। अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो आप दो कर सकते हैं, इसको ऐसे तोड़ के भी इसको कद्दूकस कर। देखो हमारे भुट्टे बड़े आराम से हो रहे हैं। देखो हमारी ये सारा हो गया है और ये हमने कर लिया कद्दूकस। और अब हम क्या करेंगे, इसको इसको हम डालेंगे एक बाउल में। तो ये देखो अब हम इसका क्या करेंगे, हम इस बाउल में इसको डालेंगे। इसमें अब हम डालेंगे, ये हमारे पास है शिमला मिर्च। आपके पास धनिया, शिमला मिर्च, बीन्स, जो भी सब्जियां हो इसमें डालें। चटाकेदार चटपटा सा नाश्ता और ये भुट्टे से बनाया हुआ नाश्ता है। और अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे बस कुछ मसाले। इसमें अजवाइन, धनिया, गरम मसाला, इसको हम मिला देंगे इसमें। ये है हमारी लाल मिर्च पाउडर और इसको अब हम मिक्स करेंगे। इसमें डालेंगे थोड़ा नमक, नमक अपने अनुसार जितना आप खाते हो। इसमें मैं नमक डाल रही हूँ और इसमें मैं डालूंगी चाट मसाला, इसमें आधी चम्मच चाट मसाला। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा, आधी चम्मच भुना हुआ जीरा और ये हमारे पास थोड़ी सी हींग, एक पिंच हींग डालें। और अब इसको पानी से, पानी नहीं, पहले इसको हम मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद में हमारा ये अच्छे से मिक्स हो गया है। इसमें हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे ये थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स और इसको भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे। थोड़े से ब्रेड क्रम्स डालेंगे और अब इसमें हम देखेंगे कि हमारा कैसा बन रहा है। तो अभी हमें इसमें थोड़ा सा पानी की ज़रूरत है, हल्का सा, एक से दो चम्मच, ज़्यादा पानी नहीं डालना इसके अंदर। थोड़ा सा और पानी लेंगे और इसको थोड़ा सा भिगो लेंगे। ये हमारा बनके तैयार हो गया। इसको एक तरफ रख देंगे, अगर हमने तवा रख दिया है। अब तवे को हम गरम होने देंगे। तवा हमारा गरम हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इसमें एक चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। खाते हैं तो आप डालें इसमें, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें। वैसे ब्रेड क्रम से ही काम चल जाता है लेकिन मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। और इसको फिर से दोबारा से गूंथ लेंगे और इसको एक ऐसा डो बना लेंगे। इसका मस्त डो बनेगा इसका। और इसको अब हम रख देंगे एक तरफ। तवा हमारा गर्म हो रहा है जब तक। तो ये हमारा डो बनके तैयार हो गया है। अब
अब हम क्या करेंगे, इसको हाथ में उठाएंगे। इसको दो भागों में डिवाइड करना है, हमने इसको दो भागों में डिवाइड करना है बराबर बराबर में। इसको अभी हम रखेंगे और एक को हम करेंगे छोटे छोटे पेड़ों में डिवाइड। ऐसे ऐसे हमने इनको लेना है, छोटे छोटे गोले बनाने हैं इसके। और इनके अंदर हमने ये वाली जो टूथ पिक होती है इसको हम डालेंगे और बनाएंगे इसका लॉलीपॉप, डिजाइनदार मजेदार चटपटा सा हींग वाला नाश्ता। ऐसे इसको यहां से ऐसे बनाएंगे इसको और अपनी प्लेट में रख लेंगे। तो ये देखो हमारी बन गई लॉलीपॉप, मक्की भुट्टे से बनाई हुई लॉलीपॉप। अब हम क्या करेंगे, हमारा तवा गर्म हो चुका है तो मैं आपको दिखाती हूँ तवे को। तवा गर्म है, अब हम क्या करेंगे, इसको हल्के सिम गैस के ऊपर इनको तलेंगे। आप इनको डीप फ्राई भी कर सकते हो और सैलो फ्राई भी। तो मैं देखो इसको इस पर तवे पे थोड़ा सा घी डाल के सैलो फ्राई कर। थोड़ी देर इसको छोड़ देंगे, नीचे से रेड होने देंगे, गोल्डन कलर आएगा, फिर हम इसको देखेंगे पलट के सिम गैस के ऊपर। ना ज्यादा तेज है गैस ना कम है, और इसके ऊपर हम इनको पकाएंगे। अब हमें इसको पलट देंगे। ये हमारा चटपटा सा नाश्ता, बच्चों को ये बहुत पसंद आएगा। मक्की अगर नहीं खाते बच्चे तो आप मक्की को ऐसे उन बच्चों को दे सकते हैं, जो बच्चे मक्की नहीं खाते, भुट्टे को नहीं खाते, ऐसे खिला सकते हैं। तो ये देखो हमारा क्रिस्पी सा नाश्ता। अब हम क्या करेंगे, इसको हम उतार देंगे। ये हमारे सीख चुके हैं, अच्छे से रेड गोल्डन हो चुके हैं देखो। अब हम इनको निकाल देंगे ठीक तरह, तो ऐसा से निकालेंगे। डंडिया इनकी गर्म हो चुकी है, और फिर इनको भी हम ऐसे ही इनको सरका देंगे। इसके अंदर थोड़ा सा चिपक गया था, इनको भी हम ऐसे ही सेक लेंगे। तो ये लो हमारा एक क्रिस्पी नाश्ता तैयार हो गया है, क्रिस्पी सा नाश्ता तैयार है। और ये हमने बनाया है भुट्टे से, जो अपने नॉर्मली भुट्टे आते हैं मार्केट में। तो ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ कितना टेस्टी और कितना क्रिस्पी बन के तैयार हुआ है। आप भी ऐसे ही, बच्चों को ये बहुत पसंद आएगा, तो आप अपने बच्चों को बड़ों को सबको बहुत पसंद आने वाला चटपटा और चटाकेदार ये नाश्ता है, इसको आप ज़रूर बनाएं, एक बार ज़रूर ट्राई करें। आजकल भुट्टे बहुत आ रहे हैं, तो आप भुट्टे से ये बनाया हुआ नाश्ता आपके लिए। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। इसी के साथ सबको राधे राधे।